हेलो एवरीवन, एग्जाम पे में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं UPCHSL की का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में जो चेंजमेंट आए हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो पूरी होने वाली है। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है ना, अगर आपकी 10+2 ट्वेल्थ हो चुकी है या इससे अबव में किसी भी पोस्ट पे है, किसी भी मतलब एजुकेशन है आपके पास, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है अभी इस वक्त एक बड़ी रेपुटेटिव और अच्छे प्लेस पे काम करने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि इसके एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग है 6/12 से हो चुकी थी और 4 जनवरी तक है अप्लाई करने की, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने की और अप्लाई करने की, और पेमेंट करने की है 5 तारीख रात की 11 बजे, नॉट 12 बजे, ठीक है गाइस। और जैसे कि इसमें जैसे कि अगर आपने पेमेंट चालान से करेगा तो उस चालान से करेंगे तो आप 6 तारीख के लास्ट डेट, ठीक है। और जैसे कि इसमें जो भी आपको कोई करेक्शन होगा है ना उसके रिगार्डिंग जो विंडो खुलेगी 9 तारीख को और 10 तारीख को बीच में, ठीक है। इसका जो एग्जामिनेशन है जैसे कि इसमें दिया गया है फरवरी और मार्च को होगा। मैं आपको अभी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता दूं कि ये जो है वो मार्च में पेपर होगा, फरवरी में नहीं होगा, दैट्स इट। हाँ, टायर टू के लिए अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसलिए अभी मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या चीज, थोड़े सैलरी की बात कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा इंटरेस्ट आए आपको। इसमें 3 तरीके की पोस्ट है, LTC की, जूनियर सेक्रेटरीट की, GSA की, जिसमें कि पे लेवल 2 की सैलरी रहती है, ठीक है। और दूसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है, DEO, इसमें लेवल 4 की रहती है, ठीक है, और लेवल 5 की रहती है, दैट्स इट। और थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की, इसमें लेवल 4 की सैलरी रहती है, ठीक है गाइस। आपकी मैक्सिमम सैलरी 81,100 जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी है वो 4,500 है, ठीक है, 4,500, पर ये टेंटेटिव है, ये बढ़ेगी है ना, लेकिन और लेकिन ये भी पोस्ट वाइज स्पेसिफाई नहीं है और पर्टिकुलर कैटेगरी की वाइज स्पेसिफाई नहीं है, तो ठीक है गाइस चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि कुछ कैटेगरीज वगैरह हैं कि जैसे कि जो भी हो, मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि इसमें जो एज है 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए और वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो इंडियन रूल्स कहते हैं जो भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के हिसाब से, तो वो होगा, दैट्स इट। अब जैसे कि इसमें फीस कितनी लगेगी, मैं फीस आपको बता दूँ आगे आ जाएगा। फीस आपको 100 रुपये लगेगी विदाउट कोई GST वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ इसमें 100 रुपये में ही इंक्लूड है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बोला था फीस 100 रुपीज़ लगेगी। एक चीज़ में जो लाइन बोली गई है कि जैसे कि आपको जब से फॉर्म सबमिट करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू करके ऑप्शन आता है उसमें, तो उसमें आप करके देख लीजिएगा कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है तो वो कहीं करेंट मिस मिस मतलब करेंट इनकरेक्ट तो नहीं है, या कोई बाई मिस्टेक कहीं गलती तो नहीं करती टाइपिंग करते वक्त, ठीक है, एंट्री करते वक्त कोई बाई मिस्टेक मिस्टेक कर दी हो है ना, कोई टेक्निकल इशू के कारण अगर मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा, फिर उसको प्रिंट करके और फिर पेमेंट कीजिएगा क्योंकि पेमेंट का ऑप्शन सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो बस चलते हैं, अब चलते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस देख दे, जैसे कि हाँ सिलेबस 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 पैटर्न, हाँ ये रहा स्कीम। देखो मैं थोड़ा पास कर देता हूँ, जो इसका स्कीम है वो कुछ इस तरीके से, ये पहले केवल टायर वन एग्जामिनेशन था और जो स्किल टेस्ट होता था है ना, अब ये हो गया टायर वन और टायर टू, दो टायर्स में एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब जैसे कि इसमें क्या है, आप टायर वन में देखते हैं, इस टायर वन में आपको जो सिलेबस रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक मैथमेटिक स्किल वाला, ठीक है। इसमें जैसे कि 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इस पूरे ओवरऑल पेपर को करने का, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है सभी को, मतलब द टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 पार्ट्स, ठीक है, ये 60 मिनट सभी के लिए है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, इंडिविजुअल आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/2 की। आप एक चीज़ देखते हैं, आप बात करते हैं टायर टू के एग्जामिनेशन की, टायर टू में क्या एग्जामिनेशन है, देखो टायर टू में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। टायर टू में कुछ इस तरीके का है, इसमें टायर टू में ये 2 सेशन है, सेशन 1, ठीक है, और सेशन 2। अब सेशन 1 और सेशन 2 में क्या है, इसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल है सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन 1 की,
इसमें देखो मॉड्यूल क्या है कि मैथमेटिक्स रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल हो गया 180 नंबर का। आपको इसको एक एक घंटा मिलेगा पर सेक्शन को करने का, मतलब इस सेक्शन को अलग, इस सेक्शन को एक घंटा अलग, ठीक है, ये आप दिमाग में रखिए। जो भी कोई मतलब जो जो वैसे स्पेशल कैंडिडेट उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। सेक्शन टू में क्या है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉम्प्रेशन है और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 60 क्वेश्चन है टोटल, 40 इंग्लिश में है और 20 जनरल अवेयरनेस में। तो इसमें भी आपको टोटल जो 180 नंबर हो जाएगा और इसको करने के लिए आपको एक घंटा मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन, एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा सा, हाँ ये रहा सेक्शन थ्री, ठीक है। सेक्शन थ्री में क्या है ना, मॉड्यूल वन में, इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है ये 15 क्वेश्चन आएंगे आपको, ये भी 3 मार्क्स होंगे, 45 नंबर होगा, ठीक है। द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब, ठीक है, ये भी आपको 15 मिनट इसको करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो क्या है सेक्शन थ्री मॉड्यूल सेकेंड, इसमें क्या है, ये आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपका जैसे कि स्किल टेस्ट फॉर DEU और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, और LDC एंड GSA के लिए, इन दोनों के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे आपको DEU वालों के लिए और 10 मिनट मिलेंगे आपको LDC और GSA वालों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जैसे कि इसमें एक चीज़ दी गई है जो आपको बता दूँ कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द ऑल द कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग द सेक्शन फॉर द टायर टू। इसमें जो जो भी आपका जो सिलेक्शन होगा वो टायर वन के आधार पे नहीं होगा, टायर वन केवल एक एंट्री बेस एग्जामिनेशन है, और जो टायर टू है जो उसका मैंने अभी पढ़ा सा पूरा मॉड्यूल वन सेक्शन वाइज मॉड्यूल में, ये शॉर्टकट में बोलो वही चीज़ है, बस इसमें आपको ये 2 भागों में आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिए गए, दैट्स इट। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो चीज़ है कंप्यूटर नॉलेज वाला, ये मैंडेटरी है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है ना, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, है ना, ये मैंडेटरी है और ये क्वालिफाइंग है, ये भी आप तो यही इसको आपको करना ही है। अगर आपने इसमें नहीं कर पाया तो आपके ये सारे चीज करने वाले सब बेकार हो जाएंगे, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये देख लीजिए, जैसे कि मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, यही सब वो चीज़ें, इंग्लिश और अवेयरनेस, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, क्या चेंजमेंट हो जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि साफ साफ लिखा है मॉड्यूल सेकेंड थर्ड सीट, ठीक है, स्किल टेस्ट एरर स्किल टेस्ट, ठीक है, द नेगेटिव मार्किंग विल बी, नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या होगी, 1 मार्क्स की होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और सही मार्क्स पे आपको 3 नंबर मिलेंगे पर क्वेश्चन। मैंने अभी बोला था मॉड्यूल वन सेक्शन थ्री कंप्यूटर नॉलेज वाला जो है ना वो मैंडेटरी है बट इन क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है, तो आपको केवल क्वालिफाइंग करना है ना, बट आपको करना जरूर है, ये आप तय ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया कंप्यूटर वाला तो ये समझ लीजिए आपके ये सब करना कोई मतलब ही नहीं। तो ठीक है, आप सीधे सीधे ये मान के चलिए मेरा मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, इन दोनों को 1 भागों में 1 घंटा मिलेगा, इसको 2 घंटे मिलेगा और इसके अलग मिलेंगे 15 मिनट, ठीक है वैसे। तो बस इतना ही, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आगे, थोड़ा सिलेबस को आपको थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्योंकि बाकी तो कोई चेंजमेंट नहीं आया, सेम है ना ये सब चीज़ें, तो लेकिन इन सब चीज़ों में क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जैसे कि देखो क्वांट में बता देता हूँ, जैसे कि ये चीज़ चेंज हो, ये चीज़ अलग आ गया, ये थोड़ी चेंज हो गई है, स्टैटिकल चार्ट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बार चार्ट एंड क्या, तो इस तरीके। अब जैसे कि इसमें थोड़ी डाइवर्सिटी बढ़ जाती है लेवल में GS में, और कुछ खास नहीं, ठीक है। अब जैसे कि टायर टू, ये टायर वन का था, ठीक है, अब टायर टू में जो है, टायर टू में आपका क्या चेंजमेंट आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैथमेटिक्स में इसके भी उसमें केवल ये चप सीधे फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, डिफाइन, अब इसमें ये चीज़ें मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल एंड प्रोबेबिलिटी। तो केवल स्टैटिक्स था उसमें, मैं बता दूं तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी और जुड़ गई है, और थोड़े थोड़े कुछ थोड़े छोटे एडअप्स हुए हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर यही चीज़ है, थोड़ा लेवल का अंतर आएगा क्योंकि मेन प्री और मेंस का ये जैसे कि तरीके से होता है ना, तो उसी तरीके का ये चीज़ है ना, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, मतलब जिस इंग्लिश लैंग्वेज में जो मतलब मैं ये मेंस का एक तरीके से सेकेंड जो पेपर होगा वो उस तरीके से मेंस का ये है। तो ये कुछ तरीके से चेंजमेंट, कुछ चेंजमेंट नहीं है, देखो सिंपल सा लिखा हुआ है, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सेम यही उसमें लिखा हुआ था, सो इसमें लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कुछ डिफरेंस था वो मैंने बता दिया, मैथ्स में थोड़ा सा मतलब एक हाईलाइट डिफरेंस है, तो क्योंकि थोड़ा चेंजमेंट है। अब जैसे कि आपको जो जो कंप्यूटर का आपका जो मतलब जो आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, जो मैंडेटरी है वो आपको बता दूँ क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक्स होना चाहिए। अगर जैसे किसी ने BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है या 12th 12th में अगर किसी के पास कंप्यूटर आए तो वो इजिली ये सब कुछ ईजिली कर सकता है, कोई
ऐसा मतलब वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, ये सब देखो, ये सब की होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये बेसिक्स हैं पावर पॉइंट वगैरह के, है ना। इसमें शॉर्टकट कीज वगैरह, या फिर जैसे कोई फाइल ओपन ऑफ करनी है, कुछ चीज मतलब जैसे कि एक्सेल में फॉर्मूलों का रहता है थोड़ा, इसमें थोड़ा कमांड का रहता है कि कोई एक चीज कमांड किया तो उसको एडिटिंग करने का, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का रहता है कि कैसे किस तरीके से हम किस फॉन्ट को यूज करके किस तरह क्या चीज हम हाईलाइट और किस तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का। जैसे कि अब जैसे कि वर्क विद इंटरनेट इनेबल्स, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग एक्सेट्रा, यार ये कौन नहीं जानता है, इस वक्त सब कुछ यही चल रहा है ना। अब जैसे कि बेसिक नॉलेज, बेसिक ऑफ द नेटवर्किंग, बस इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस कर लीजिएगा, थोड़ी आपकी माइंड का जो एक्सरसाइज हो जाए कि मतलब किस तरीके से हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो उस तरीके से जैसे कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह तो वो आपने ज्वाइन कर रखी होंगी, नहीं ज्वाइन कर रखी है तो उनको ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई क्या रिकमेंड करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं उसके रिकॉर्डिंग आपको तो आपके अकॉर्डिंग मतलब पेपर के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, सर्च करूंगा और कुछ एनरोल करके देखूंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा मेरा रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी वगैरह, ये वही 10th 12th के जो इजीली सब्जेक्ट होते हैं उस सब में साइबर सिक्योरिटी वगैरह के रिलेटेड पढ़ाया जाता है। ये कुछ जैसे कि हैकिंग, वायरस, वर्ड्स, ट्रोजन्स, ये सब जो वायरस वगैरह होते हैं ना, ये सब वो चीज़ है। तो बस वीडियो में बस इतना ही, बस यही था पूरा सिलेबस, है ना। और थोड़ा एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है, जैसे कि प्रीत केवल एक एक एग्जाम था, अब थोड़ा दो हो गया है ना, दो मतलब दो टायर में ये एग्जामिनेशन होगा कंप्लीट, है ना। बस ये है कि स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया था DE2 का, तो वो टाइपिंग एपिंग का, तो वो चीज़ है, बाकी कोई एक डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का झंझट बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो कि पहले इसमें हुआ करता था, है ना, मतलब थोड़ा था पर था, ठीक है। ये चीजें तो जो जो पढ़ेगा, जो नंबर, जो प्रैक्टिस करेगा, जो अच्छे से मेहनत करेगा, उस वो पास होके ऊपर ऊपर आ जाएगा, मलाई की तरह, जैसे दूध में मलाई ऊपर आ जाती है ना, तो उसी तरीके से आ जाएगा। तो दैट्स इट, बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ना ज्यादा लंबा देगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक फिर छोड़ो, मैं लाइक और चैनल सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।